हाँ आज हमारे साथ है केसंग के डिस्ट्रिक्ट यूनिट वुमेन वेलफेयर के एक टीम के एक महिला से मैं सवाल करना चाहता हूँ सयूसा में बहुत ड्रग्स का केसेस बढ़ रहा है स्पेशली और बॉर्डर इलाका भी है तो आप लोग इस ड्रग्स का केसेस को रोकने के लिए बच्चा का लाइफ का ब, बच्चा का लाइफ को बचाने के लिए आप लोग क्या इस उठाएंगे तो नमस्ते ए पी एन न्यूज़ ट्वेंटी तो मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोग का जो ड्रग्स पेडलर को तो आप लोग सब देखा होगा अभी ऐसा एक न्यूज़ आया है तो हम लोग का ये एसपी पी पाके केशांग एन सी का जितना ओसी एंड पुलिस टीम और नाउ वी आर जितना वेमेन है हम लोग का अरुणाचल प्रदेश वेमेन विंग पाके केशांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट तो हम सब ने ये न्यूज़ सुन के यहाँ आया तो तो मेरा तो सोच यही रहेगा कि पुलिस टीम प्रशासन है उनसे मेरा ये अपील रहेगा कि हम लोग यह हमें जितना भी ये जो पेडलर जो स्मगलिंग ये जो ड्रग्स का हो रहा है तो हम लोग उसको चेक करना है इन्वेस्टिगेशन करना है देन अवेयरनेस करना है कि हर एक घर का बच्चा लोग को भी हम लोग एक अवेयरनेस में लेके आने से ठीक है ये ड्रग्स लोग का बारे में ना नहीं होने के लिए और जितना भी अभी कुछ आदमी यह हमें जेल में है अंदर में प्रिजन में है तो और चाहता है कि और भी इन्वेस्टिगेशन शायद हम लोग का पुलिस टीम लोग करेंगे जितना भी थैंक यू एंड वुमेन टीम लोग हम लोग का और से और जितना भी हम लोग सोच रहे हैं और जितना भी सीजुसा का सदस्य है वो लोग भी सोचेंगे और हम लोग यही सोच है कि अब लोग एडमिनिस्ट्रेशन लोग इनको जो अभी का जो पैदल लोग को पकड़ा है उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए छोड़ना नहीं है क्योंकि अभी यह में दो कुछ पकड़ा है इसे हम लोग को और नहीं पता अंदर में और कितना यूथ्स लोग को भी लाइफ बिगड़ गया और अंदर में कितना होगा किसका फैमिली क्या चीज़ में गुजर रहा नहीं पता तो इसको इन्वेस्टिगेशन में अब लोग और राखी है क्योंकि अपना ही डिस्ट्रिक्ट में भी बदनाम कर रहा है और एक यूथ्स का भी लाइफ कोई लोग बर्बाद कर रहे तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग को ये एक अपील रहेगा कि इनको कड़ी से कड़ी एक आई सेक्शन डालना चाहिए